अज्ञात नंबर से सराफा व्यापारी के फोन पर कॉल कर रंगदारी करने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस अधीक्षक एलआर कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व क्षेत्र अधिकारी नगर द्वारा क्राइम की मदद से सर्विलांस की टीम द्वारा रंगदारी मांगने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामला यूपी के सीतापुर शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहाँ पर सराफा व्यापारी को फोन कर उसके लड़के का अपहरण करने की धमकी दी व 5 लाख रुपए की मांग की है। रुपए न देने पर लड़के को जान से मार देने की धमकी दी, जिस पर सराफा व्यापारी द्वारा कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिस पर पुलिस अधीक्षक एलआर कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिण व क्षेत्र अधिकारी नगर द्वारा मामला संज्ञान में लेते हुए सर्विलांस टीम की मदद से नंबर को ट्रैक कर रंगदारी करने वाले दो आरोपियों मनीष रस्तोगी व राहुल रस्तोगी को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों पर पहले भी हत्या सहित कई मामले दर्ज हैं, जिन्हें आज विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। मेरे पास फोन आया घर पे, उन्होंने कहा कि श्यामू बोल रहे जी, जी हाँ, कहना आपको लगता है लखनऊ में कम कर, जी हाँ, कहने लगे कि मैं सोमवार को जो है 5 लाख रुपए का इंजाम कर देना, नहीं तो मंगल को जो है आपको लगता मिलेगा नहीं, घूमने पर ले जाएंगे, बाद में 9 लाख मिलेगी, ज़्यादा ऊँचाई करने की जरूरत नहीं है। तो हमने उसके बाद घबरा गए एकदम से, उसके बाद कोतवाली आए, कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई है, दिखाने के बाद जो कार्रवाई हो रही है। कौन सा क्या जानकारी हो पाई? मैं माँ को तो नंबर मालूम था, उसको तो कुछ नहीं मालूम है। इससे पहले भी कोई धमकी नहीं? कभी नहीं। ये कोतवाली नगर में सराफा व्यवसायी हैं मनोज रस्तोगी, उनको ये 17 फरवरी को एक अज्ञात कॉल आई थी कि अगर आप 5 लाख रुपए नहीं दोगे तो आपके लड़के को जो है मार दिया जाएगा, और इसकी सूचना तत्काल उन्होंने पुलिस को दी और पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत करके और इसको हमारी सर्विलांस की टीम और कोतवाली नगर की टीम द्वारा जो है इसको ट्रैक किया गया, और इसमें दो व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए, एक मनीष रस्तोगी और इसका एक साला है राहुल रस्तोगी जो जरवल रोड बहराइच कराने वाला है। ये राहुल रस्तोगी जो है ये अभी कुछ दिन पहले ही NDPS के मामले में जेल से बाहर छूटा था, और इसके जो बहनोई हैं मनीष रस्तोगी, ये भी इसके ऊपर क्रिमिनल हिस्ट्री है, ये वर्ष 2013 में इनके ऊपर 302 का अभियोग पंजीकृत हुआ था, बच्चे को मार करके ज़मीन पर गाड़ दिए थे, बड़ा ही सेंसेशनल केस हुआ था उस समय, और दोनों ही अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, इनकी आज गिरफ्तारी की गई है और इनको जेल भेजा जा रहा है।